किसान आंदोलन के समर्थन में आज हावड़ा सनराइज स्पोर्टिंग क्लब के सहयोग से किसानों की लड़ाई में मुसलसल आंदोलन चला रहे राजपाल सिंह, मंजीत सिंह, अलवी खान, नौशीन बाबा खान व अन्य ने मिलकर पुलवामा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि पेश किया और मोदी सरकार को ललकारते हुए अपना ये पैगाम पहुंचाया कि किसी भी कीमत में किसानों की लड़ाई वापस नहीं की जाएगी। आइए चलते हैं। साथ अन्याय हुआ है, अपनी बातों को उन्होंने बहुत बार रखा है, 11-11 बार रखा है, पर वही भाग के पास अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार, मैं सरकार को तो ये बेनती करता हूँ कि सरकार अपने विचार को दोबारा देखे, समझे और इस पर विचार करे। यदि ये बिल आपको सच गलत लगता है तो क्यों नहीं ईमानदारी से इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल किया जाए, और इसमें भी अच्छाई है तो क्यों नहीं इसको सार्वजनिक करते हैं। केवल ये तोता रटने की बात कह करके कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये ठीक नहीं है। आप इसकी हमें गुणवत्ता बताइए। हमें तकलीफ इस बात की कि हमको ये बिल पूरा समझ में आ गया, हम लोग बिल को समझ गए और बिल को समझ के इसका निवेद कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, किसानों में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो बात को समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप संवैधानिक तौर पर भी इसको गलत कर चुके हैं। आपको क्रेन के ऊपर में कोई भी बिल बनाने का अधिकार नहीं है। फूड स्टॉक पे बनाइए, फूड स्टॉक जो बिजनेसमैन करते हैं उनके आप कीजिए। ग्रेन तो हम मार्केटिंग करते हैं, हम बिजनेस ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ट्रेड करने के लिए हमको फूड स्टॉक करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉलिसीज, अगेंस्ट आइडियोलॉजीज, अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, देयर आइडियोलॉजीज, देयर बैड पॉलिसीज, जो के असर पड़ रहा है किसान पर और जवान पर। ये जवान जो शहीद हुए, ये शहीद का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, जो कि सबों को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है। वो अर्णब गोस्वामी और उसका चाल एक हफ्ते आगे ये क्रैश हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो आज किसान मर रहे हैं, जो किसान आज जूझ रहे हैं, बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, इतने ठंडे पड़े हुए, ये सब इन लोगों के एट्रोसिटीज़ है, इन लोगों का जुल्म है। और ये जुल्म को ख़त्म करने के लिए ये भारत के बीजेपी गवर्नमेंट, ये RSS आइडियोलॉजी को हटाना पड़ेगा और हम लोग को सब मिलकर साथ देना पड़ेगा, जवान को भी और किसान को। आज लगभग 3 महीना हो चुका है ये किसान आंदोलन का। ये जो 3 किसान बिल है, इसके लेकर के किसान भाई 3 महीना से इस ठंड पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे मोदी जी जो किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या उनको ये तकलीफ नहीं मिल रही है? वो चाहते हैं कि ये आंदोलन वो चाहे तो 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, कि इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि आपको क्या तकलीफ है? अगर किसान से आप एक तरफ बोलते हैं कि किसान के लिए हम जो बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं किसान भाइयों से आप बातचीत कर रहे हैं? क्यों किसान भाई इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं? आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है ये 3 किसान बिल को लेकर? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप चाहे तो इसका हल निकाले और जल्द से जल्द हल निकाले, ताकि हम किसान भाई, अगर किसान नहीं रहेगा तो ये देश खत्म हो जाएगा। सरकार इसके बारे में सिर्फ टाइम पे टाइम दे रही है, क्या सरकार को ठंड नहीं लगता है? जो अपने कमर के अंदर में सो करके वो किसान का जो है वो मुद्दा को सही नहीं कर पा रही है या उसको नहीं देख पा रही है, क्योंकि वो 150 करोड़ में से वो किसान लोग भी आते हैं। शायद ये गवर्नमेंट को नहीं मालूम है, हमारे सरकार को नहीं मालूम है, उनको ये मालूम करना चाहिए। और आकर के ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज को उनको बैठ करके उनको जो भी है क्लियर करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो किसानों की हिमायत में क्या है गवर्नमेंट तक पैगाम? देखिए, हम तो किसान के साथ इसलिए है कि भाई हम किसान नहीं है, आज हम किसान के अनाज खाते हैं। आज हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे घर में अगर चावल, तेल, प्याज में अगर जमाखोरी बढ़ जाएगी तो मिडिल क्लास के लोग के घर में ये भी नहीं रह पाएगी। तो मैं सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने आई हूँ, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ने आई हूँ।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान के साथ जो इतना जुल्म हो रहा है, जो वो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हमारे जो मोदी जी है वो क्यों नहीं जा रहे किसान के पास? अरे आप तो कहते हैं मन की बात, आप अपने मन की बात बहुत कहते हैं, कभी हमारे भी तो मन की बात सुनिए, कभी हमारे किसान भाई की भी तो मन की बात सुनिए। आप बहुत बड़ा राजनीति आप कर रहे हम लोग के साथ, पर रह ये बात की बिल्कुल तो हम लोग नष्ट करेंगे, चाहे जी के करेंगे, चाहे मर के करेंगे, चाहे दिल्ली निकाल के करेंगे, चाहे प्रोटेस्ट करके करेंगे, पर हम लोग इस बिल को खत्म करेंगे, बंगाल से भी करेंगे और वक्त पड़ेगा तो अब दिल्ली तक जाएंगे। और मैं आज और एक मैसेज देने चाहती हूँ, हमारे जो पुलवामा में जो अटैक हुए थे, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको भी मैं मेंशन कर रही हूँ। वो भाई तो शहीद हो गए, पर ये बात याद रखिएगा मोदी जी, किसान के ही औलाद पुलवामा में भी है, किसान जवान है, और किसान के औलाद हमारे किसान भाई भी हैं जो अनाज उगाते हैं, हमें खिलाते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार से? ये पैगाम देना है कि जिस तरह से आप सरकार में आए, आप किसान हो या आवाम हो, सभी का वोट से आप सरकार में आए और वोट का हक अदा कीजिए, और वोट जो दिए हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। आप ये मत समझिए कि आप जीत गए हैं तो उसके बाद जिसके साथ चाहिएगा जुल्म कीजिएगा, जिसके साथ चाहिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन अडानी अंबानी के साथ जुल्म कीजिए वहाँ चलेगा, लेकिन किसान के साथ हम लोग चलने नहीं देंगे। अब आज यहाँ हावड़ा मैदान में हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो पूरे बंगाल में हम लोग घूर घूर के मीटिंग मीटिंग करेंगे किसान के सपोर्ट में, और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी को बात को मैं बोल के मैं अपने जितने भी हावड़ा संडा स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर जितने भी हैं, हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितने भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मादर टेरेसा फाउंडेशन के भाई हमारे मंदिर का प्रेसिडेंट जो आया, और बाकी उनके जितने भी टीम है, आलम भाई सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे मोदी जी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बर्बादी निश्चिंत है।